गणपति हमारी आपसे बस यही अदास है, स्वीकार सेवा में करो, भोग लाए साथ है। यह तो आपकी वस्तु है, यह तो आपकी वस्तु है, ले रहे हैं प्रसाद को, सफल हो शुभकामनाएं। आप वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए, कमेंट करके आप करेंगे। शिवम शिवम पूर्वे साधा संति देवा हरियो राजाधिराजाय प्रिय साहिले नमो वयम वसुराय पूर्वे सर्वे कामान राम कामाय मह्यम कामेश्वरो वै कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः हरि ओम। Yeah!
माता की जय हो। श्री गौ माता की जय हो। भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे कृष्ण पार्वती पते शांति से स्वर्ण करें सभी भक्तजन। अग्रवाल से आप सभी मशहूरी में से आप सभी भक्तों के प्रयोग और प्रेम से सत्रहवें भगवान गणपति जन्म महोत्सव में और भगवान गणपति जी के चरणों में भक्तों राजमा चावल का भी भोग लगाया गया है। राजमा चावल अपने आप में अपना अपना प्रसाद क्यों लेकर जाएं? इस समय प्रसाद वितरित किया जाएगा। वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए, कमेंट करके बताइए गणपति उत्सव की वीडियो आपको कैसी लगी जो यहाँ पर आता है। सत्रहवां गणपति उत्सव दुलाना की छतरी पर आयोजित किया गया है और बाहर की भीड़ में आपको दिखा देता हूँ कितनी भीड़ आप देख सकते हैं। प्रसाद लेने के लिए छोटे से बड़े तक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लगातार आप वीडियो को शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। आज कल से ज़्यादा काफ़ी भीड़ है, कल भीड़ कम थी, आज आप देख सकते हैं भारी संख्या में पहुँचे हैं और इतनी भीड़ आप देख सकते हैं कैमरे के अंदर। इस तरह से आप देख सकते हैं प्रसाद वितरण में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। भक्त भी यहाँ पर तैयार हैं और प्रसाद भी तैयार है, प्रसाद भी पहुँच चुका है पंडाल में। अब प्रसाद वितरित किया जाएगा जैसा कि इंतजार था। छोटे छोटे बच्चे लिए आपको डेकोरेशन दिखा देता हूँ। ये देखिए किस तरह से हम के साथ डेकोरेटेड किया गया। सभी देवताओं को यहाँ पर
विराजमान किया गया है। ये देखिए इस तरह से गणपति उत्सव में हर रंग का इस्तेमाल हुआ है, चाहे काला हो, चाहे हरा हो, चाहे पीला हो। और आप देख सकते हैं, ये देखिए बहुत ही सुंदर हर का प्रयोग करते हुए ये समझ से टकरा लेगा।